हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब मस्त हो? मजे में दोस्तों, लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको वेव सिटी के बारे में जानकारी दी थी। दोस्तों, वेव सिटी के अंदर आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या इन्वेस्टमेंट अभी के टाइम पे आपको अच्छी रहेगी, इस बारे में हमने बात की थी। दोस्तों, जो लास्ट वीक का वीडियो था वो कमर्शियल के बारे में था, वेव सिटी के, और वो भी करियान जो यहाँ पे कमर्शियल आया हुआ है उसके बारे में। करियान के दोस्तों तीन प्रोजेक्ट है वेव सिटी के अंदर, करियान सिटी वॉक, करियान स्क्वायर, और करियान का तीसरा प्रोजेक्ट लॉन्च होना है जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जो आगे आएगा। तो दोस्तों उनके बारे में मैंने पिछले हफ्ते आपको जानकारी दी थी। जो आज का वीडियो है दोस्तों, ये भी वेव सिटी के बारे में ही होने वाला है, और इसमें हम बात करेंगे वेव सिटी के अंदर एक दूसरे काफी अच्छे बिल्डर है, एसके। आपने नाम भी सुना होगा, एसके ग्रुप के काफी सारे प्रोजेक्ट आप लोगों ने नोएडा में देखे होंगे, NH24 पे स्कार्डी आप लोगों ने देखा। तो दोस्तों एसके ने वेव सिटी के अंदर भी अपना कमर्शियल लॉन्च किया है, और इसके बाद इनके यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी आएंगे। तो दोस्तों आज हम एसके के बारे में बात करेंगे कि वेव सिटी के अंदर क्या आप इन्वेस्टमेंट एसके के साथ कर सकते हैं, और इसके बाद कौन से यहाँ पे प्रोजेक्ट आएंगे। दोस्तों जो भाई चैनल पर नए हैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन खटाना, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल इन्वेस्टर्स गाइड। हो दोस्तों, एसके का अभी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है एसके आर्केडिया। ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसी प्रोजेक्ट के पीछे एसके के पास दूसरी लैंड है जिसमें इनका रेजिडेंशियल आएगा। इसके अलावा और भी चीजें वेव के साथ चल रही है, और भी इनके आगे प्रोजेक्ट आएंगे, बट वो जब भी लॉन्च होंगे उनकी जानकारी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। अभी के टाइम पे दोस्तों जो हमारा लॉन्च प्रोजेक्ट है वो है एसके आर्केडिया कमर्शियल। जब रेजिडेंशियल आएगा तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो आदित्य और वेव के बीच में 45 मीटर रोड आप लोगों ने देखी होगी इसके ऊपर बना हुआ है। दोस्तों इसमें वही आपका नॉर्मल लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, चार फ्लोर रहेंगे, और इसके अंदर आपको फूड कोर्ट मिल जाता है, रिटेल शॉप्स मिल जाएंगी, और इसके अंदर कुछ आपको लीज के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आखिर तक वीडियो देखिएगा, मैं आपको इसके बारे में सारी की जानकारी दे दूंगा। दोस्तों सेक्टर 2 में इसकी लोकेशन पड़ती है। अगर मैं बात करूं तो एसके काफी बढ़िया बिल्डर है, काफी अच्छी चीजें बनाते हैं, तो इसके अंदर काफी सारे ब्रांड भी है जो प्री प्लान्ड है, जो चीजें इसके अंदर आएंगी। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं इसका लेआउट आप लोगों को दिखा देता हूं, और उसके रेट के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। बाकी आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो रेट होते हैं वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। तो हो सकता है आप वीडियो 6 महीने बाद देख रहे हो, 1 साल बाद देख रहे हो, या 2 साल बाद देख रहे हो, तो उस टाइम जो उस टाइम के रेट होंगे वो आपको लगेंगे। अगर आपको रेट की जानकारी चाहिए तो नीचे वीडियो में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप उन नंबर पे कॉल करके रेट की जानकारी ले सकते हैं। उस टाइम का जो भी रेट होगा वो हम आपको बता देंगे। दोस्तों ये प्रोजेक्ट का फ्रंट एलिवेशन है, कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर मिल जाएंगे। दोस्तों फूड कोर्ट भी इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिल जाता है, अगर आप लोग चाहो तो फूड कोर्ट के अंदर भी जा सकते हो, जिसके अंदर दोस्तों आपको लीज के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, यानी आप पहले से प्री लीज के साथ भी फूड कोर्ट खरीद सकते हो। उसके अलावा कियोस्क के भी कुछ ऑप्शन है, आप वो भी ले सकते हो। दोस्तों ये लेआउट है इस कमर्शियल का, आप लोग देख सकते हो बीच में कुछ कियोस्क प्लान है, और बाकी जो शॉप्स वगैरह वो काफी अच्छे है। ये आपका अपर ग्राउंड फ्लोर का लेआउट है जिसमें आपको 20 फीट हाइट की शॉप मिल जाती है, यानी आप डबल बना सकते हो। एलजी है दोस्तों, इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर पे मैंने आपको बताया कि अभी के टाइम पे फूड कोर्ट है। दोस्तों बिल्डर इसमें कुछ डबल धमाका के नाम से एक स्कीम दे रहा है। इस स्कीम के अंदर दोस्तों जो बिल्डर है आपको 3 साल की लीज प्रोवाइड कराएगा, और इसके बाद भी आप चाहो तो अपनी शॉप को एक तरह से रेंट पे दे सकते हो, यानी आपको डबल यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है कि 3 साल की लीज आपको बिल्डर भी देगा, और आप लोगों को चाहो तो रेंट पे भी अपनी शॉप चढ़ा सकते हो, और अगर आप लोग चाहो तो खुद का काम भी उसके अंदर कर सकते हो। 60-40 का यहाँ पे आपको पेमेंट प्लान मिल जाता है, तो काफी अच्छा पेमेंट प्लान है अभी देके, बाकी आपको 40% ओन पोजेशन देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपकी स्कीम है जिसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो जो आपको लीज रेंट बिल्डर देता है, अगर आप लोअर ग्राउंड फ्लोर पे हो तो वहां पे 100 रुपए स्क्वायर फीट का आपको लीज रेंट बिल्डर अपने से देगा 3 साल के लिए। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर दोस्तों आपको 80 रुपए स्क्वायर फीट का रेंट मिलेगा, और सेकंड फ्लोर पे 60 रुपए स्क्वायर फीट का रेंट मिलता है। दोस्तों जो आपका अपर ग्राउंड फ्लोर है उस पर कोई भी रेंट की व्यवस्था नहीं है। अगर रेट की बात करते हैं तो अपर ग्राउंड फ्लोर आपका 28,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट है, जो आपका लोअर ग्राउंड है वो 24,000 रुपए स्क्वायर फीट, फर्स्ट फ्लोर 20,000 रुपए स्क्वायर फीट, और जो आपका सेकंड फ्लोर है वो 16,000 रुपए स्क्वायर फीट के रेट पे रहता है। इसके अलावा कुछ अदर चार्जेस आप देख सकते हैं, एट्रियम की 1,000 की पीएलसी है, एट्रियम प्लस कॉर्नर आपकी 2,000 की पीएलसी है, अगर आपकी 45 मीटर फेसिंग पे फ्रंट पे दुकान है तो आपकी 4,000 रुपए स्क्वायर फीट की पीएलसी है। इसके अलावा दोस्तों कुछ आपके IFMS साइन बोर्ड वगैरह के चार्जेस है, तो आप लोग पहुंच करके इस लिस्ट को अच्छे से देख लीजिए, तभी आपको समझ आएगा कि कौन से आपको चार्जेस पे करने हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप फूड कोर्ट में जाते हो तो यहाँ पे 17,000 रुपए स्क्वायर फीट का
रेट आपको देना पड़ता है, और इसके अलावा अदर चार्जेस इसमें भी आप देख सकते हो। पेमेंट प्लान मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 60-40 आपको मिल जाए। दोस्तों वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोजेक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, इसके लेआउट्स, इसका रेट, सारी की सारी जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अगर पसंद आई है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आई है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएंगे, इन नंबर पर आप कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। जो भाई चैनल पर नए हैं उनको कहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट जो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है वो हम लोग अपलोड करते रहते हैं, तो आप लोग इससे अपडेटेड रहेंगे और जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा या कहाँ पे क्या रेट है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम दोस्तों।